आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिल्टा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। लोक सेवा आयोग कुछ नई भर्तियों के विज्ञापन जारी कर रहा है, जिसके आवेदन 15 तारीख से स्टार्ट होंगे, जिसमें चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 स्तर 2 की वैकेंसी भी सम्मिलित है। इसमें 2528 पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला है और इसमें जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन एलिजिबल हो वो आवेदन करें और उस परीक्षा की तैयारी करें। सबसे यक्ष प्रश्न ये होता है कि आखिर हमारी LTJSE कब तक आएगी। तो अभी हमारे पास उम्मीदें कायम हैं और कोशिश हम लोगों की यही है कि लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जारी कर दे तो ज्यादा बेहतरीन है। अदरवाइज अगर चुनावी आचार संहिता लागू हो जाती है तो यह वैकेंसी फिर लोक सेवा आयोग से नहीं आएगी, ठीक है ना, तब फिर यह शिक्षा सेवचन आयोग के पास जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को 2 से 3 महीने, 3 या 4 महीने मान लीजिए, इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन क्या शिक्षा सेवचन आयोग LTJSE के भर्ती परीक्षाओं को सुचारू ढंग से, पारदर्शी ढंग से करा पाएगा, या विद्यार्थियों का विश्वास या भरोसा या किसी प्रकार का कोई उनको बदलाव का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जंग जो हम सभी लोग लड़ रहे हैं, ये जंग ऐसा नहीं है कि केवल किसी स्वार्थ बस लड़ा जा रहा है, ये समस्त विद्यार्थियों के हित के लिए लड़ा जा रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें केवल हित मेरा छुपा हुआ है, ठीक है, हम तो हर परिवर्तन के लिए तैयार हैं, हमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जीएससी लेक्चरर का में जो भी परिवर्तन होगा हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आम विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर परिवर्तन होगा तो सभी प्रभावित होंगे उसमें, और इन परिवर्तनों में काफी सारी चीजें आप लोगों की बदल जाएंगी जो हम लोग नहीं चाहते, ठीक है ना। और आप सभी लोगों के जो संशोधन आदि हुए हैं, चाहे वो परसेंटेज को लेकर के हो, चाहे वो किसी प्रकार से आप सभी लोगों के सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के हो, चाहे आप सभी लोगों के अन्य मुद्दों को लेकर के हो, उन तमाम चीजों को लेकर के हम सभी लोगों ने जो प्रयास शुरू किए थे वो प्रयास आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 में सम्मिलित किए जा चुके हैं। अतः आप सभी लोगों को मैं इस बात की गारंटीड जानकारी दे दूं कि आप लोगों को परसेंटेज जैसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। विद्यार्थी बहुत हमसे पूछते हैं कि जीएससी लेक्चर में क्या बीएड की डिग्री अनिवार्य हो गई? जी हाँ, बीएड की डिग्री अनिवार्य हो गई है। अगर आप परास्नातक प्लस बीएड हैं तो ही आप जीएससी लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप स्नातक प्लस बीएड हैं तो आप LTA और TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि ये परिस्थितियां आपकी केवल जीएससी लेक्चरर तक ही सीमित रहेंगी, ये परिस्थितियां आपको PGT जो आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड के माध्यम से जारी होती थी वैकेंसी, उसमें भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों को अब बीएड डिग्री धारक होना अत्यंत आवश्यक है। विदाउट बीएड अब कोई भी विद्यार्थी पीजीटी वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया है। और आपके LTA और GRC को लेकर के आजकल में माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव के माध्यम से विज्ञप्ति रिलीज की जा सकती है अपडेटेड नियमावली को लेकर के, कि नियमावली को अपडेट कर दिया गया है। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि ये विज्ञप्ति आपकी जारी हो जाए, जैसे कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित करने के लिए उन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी, आप सभी लोगों को याद होगा। उसके बाद आनन फानन में विज्ञापन आप लोगों का आ गया था जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर साइंस TGT में सम्मिलित नहीं हो पाया था। बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे कहा था कि आपने तो कहा था कि विज्ञप्ति आ गई है तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो देखिए, शासन स्तर पर क्या चीजें चलती हैं और जब वो चीजें वहां पर अमल में नहीं लाई गई तो भाई हम तो कोई अधिकारी है नहीं, है ना, जो चीजें करनी वो अधिकारियों को करनी है। लेकिन अब ये बातें आप लोगों को 2024 में जो TGT PGT का नया विज्ञापन आएगा उसमें कंप्यूटर साइंस जैसा एक महत्वपूर्ण विषय वो देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि लगभग 4500 समथिंग अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, जिसमें TGT और PGT की वैकेंसियां आप लोगों की सृजित की जाती है, ठीक है। उसमें आप लोगों को मैं बता दूं तकरीबन 1200 से समथिंग विद्यालय, मतलब जो विद्यालय है वहां पे कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने की अनुमति दी गई है, मतलब सहमति दी गई है। अनुमति क्या होती है? सहमति दी गई है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कमोबेश, क्योंकि तदर्थ शिक्षक भी हैं, कंप्यूटर साइंस के तदर्थ शिक्षक भी है, पता है कि नहीं आप सभी लोगों को,
उनके भी पदों को और जो आपके नौ सृजित पद हैं उनको भी कंबाइंड तौर पे आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2024 में देखने के लिए मिलने वाला है। न्याय विभाग ने जिस नियमावली पर एतराज किया, न्याय विभाग ने जिस चीज को ऑब्जेक्शन किया, जिसपे मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि इन्होंने तदर्थ शिक्षकों को इलिजिबिलिटी में भी छूट दे दी थी कि भाई हम आम विद्यार्थियों के लिए टीईटी अनिवार्य करेंगे, तदर्थ शिक्षकों को टीईटी नहीं देंगे। पहला। दूसरा ये कि हम इनको 45 अंक का वेटेज देंगे, ठीक है ना, और आयु सीमा की छूट भी देंगे इनको, मतलब अनलिमिटेड कर देंगे कि आप 62 साल तक फॉर्म भरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम विद्यार्थियों के लिए इन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ पे इनको कोई वेटेज तो होगा नहीं आम विद्यार्थियों का। दूसरा ये कि हम इनके एज को मैक्सिमाइज कर देंगे, ठीक है ना, 50 साल तक अनरिजर्व कैटेगरी, 55 साल तक रिजर्व कैटेगरी। अब बताओ सारी चीजें क्या आम विद्यार्थी ही झेलने के लिए है, है ना, आम विद्यार्थियों को इतना सारा बर्डन। चलो ठीक है, आपने इतना कुछ गजमत किया, ठीक है, लेकिन अब समस्या इस बात की आती है कि आप एलिजिबिलिटी में भी क्राइटेरिया चेंज कर रहे हो, उसमें भी क्राइटेरिया अलग अलग सेट कर रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। ये तो मामला फट से कोर्ट जाएगा और तलाक से स्टे लग जाएगा इस पे। और शिक्षा संवचन आयोग कोई विज्ञापन जारी करे और उसी पहले विज्ञापन पर उसके स्टे आ जाए, तो ये तो भाई सरकार की बहुत अच्छी खासी कीर्ति हो जाएगी फिर, है ना। और इस चुनावी माहौल में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जनप्रतिनिधियों तक जो भी बातें आप सभी लोगों की पहुंच रही है ना, वो तत्काल मान ली जा रही है। क्यों? क्योंकि सबको वोट चाहिए भैया, वोट चाहिए, है ना। लेकिन आप लोग अपनी बातों को मजबूती से रख नहीं पा रहे हो। हम सभी लोगों के माध्यम से जो प्रयास हो रहे हैं ना, उसका परिणाम आप सभी लोगों को 14 तारीख तक दिख भी जाएगा। और हम लोगों की उम्मीदें हैं कि हम लोगों को 14-15 तारीख तक LTGIC का विज्ञापन अगर मिल जाए लोक सेवा आयोग के माध्यम से, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो कि अब LTGIC की बातें करना छोड़ दी हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो प्रयास करने के लिए जाते तो सोचते हैं कि हमारे साथ लाखों लाख की भीड़ चले। ऐसी परिस्थितियों में लाखों लाख की भीड़ तो आने से रही है ना, ऐसी परिस्थितियों में क्या करते हैं कि वो अपडेट ही देना बंद कर दिया आपको, है ना, दूसरी दूसरी चीजें उन्होंने पकड़ ली। लेकिन विद्यार्थी हम पे हमारे पास मैसेज करते हैं, फोन करते हैं। मैं इन्हीं चीजों को लेकर के थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना व्हाट्सएप तक नहीं चेक कर पाता, ठीक है ना। जो आप लोगों को चैनल का व्हाट्सएप नंबर दिया गया 97143385, मैं इस व्हाट्सएप को भी नहीं चेक कर पाता क्योंकि व्यस्तताएं इतनी हैं। इसमें हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2020 की इसके विद्यार्थियों का भी सारा उपक्रम चल रहा है, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को थोड़ा सा व्यस्तता का अनुभव करना पड़ रहा है ना। क्योंकि अब विद्यार्थियों का कल याची लिस्ट जमा होने वाले हैं, उसके बाद आप लोगों की हियरिंग होगी, फिर आदेश आप लोगों का या तो रिलीज हो गया या तो सेफ कर लिया जाएगा आप सभी लोगों के हाईकोर्ट के माध्यम से। तो जो विद्यार्थी अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, फटाक से मैसेज करिए 97143385 पर और फटाफट जुड़ करके इसका लाभ उठा लीजिए। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप तैयारी करिए आगे की, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतनी चीजें क्लियर हैं कि हम अब आप सभी लोगों को ज्यादा दिन नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इन मामलों को भाई शिक्षा निदेशालय से भी इस बात का हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई कि फटाफट हम इन सारी चीजों को क्लियर करके 2022 के टीजीटी पीजीटी के एग्जाम शेड्यूल के पहले पहले हम इन सारे मामलों को क्लियर करना चाहते हैं जो कि 2016-2021 से संबंधित है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट जुड़ जाए, जिसमें आप सभी लोगों को ही लाभ की स्थितियां उत्पन्न होंगी। याद रखें 97143385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये कि अभी तक उत्तर प्रदेश शासन ने UP SSC को वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट जारी करने की अनुमति नहीं प्रदान की है, ठीक है ना। अब वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट अगर नहीं आएगा तो क्या ASO का आएगा, क्या मुख्य सेविका का आएगा, इसके लिए भी परमिशन मांगी गई है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके की मीडिया में खबरें आई थी कि हम चुनाव आयोग की परमिशन से लेकर के हम रिजल्ट जारी कर देंगे, अरे भैया अभी चुनाव आयोग का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तब तो आप रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हो, है ना। आज जब चुनावी आचार संहिता लग जाएगी और सभी अधिकारी से लेकर के नेता तक सभी चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, फिर आप परमिशन लोगे, फिर आप परिणाम जारी करोगे, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ जाती है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का परिणाम वीडियो और एग्जाम ASO मुख्य सेविका आदि के आने हैं तो ये चुनावी आचार संहिता से पहले ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद भाई वही है भाई जो राम रचिया का, फिर आप सभी लोग मई तक का इंतजार करेंगे, ठीक है ना।
लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं, परिस्थितियां आप सभी लोगों के विपरीत नहीं बल्कि अनुकूल हैं, ठीक है। क्योंकि जिन जिन चीजों को लेकर के हम लोगों ने कोशिशें शुरू की थी, वो सारी चीजें आपके लोगों के फेवर में है। और रही बात आपके LD और GIC को लेकर के, तो अभी उम्मीदें हमारी समाप्त नहीं हुई है। अगर उम्मीदें जिस दिन समाप्त हो जाएंगी, हमें इस बात का एहसास हो जाएगा, इस बात की जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी कि हाँ LD GIC का विज्ञापन अभी आपका नहीं आएगा, ये आप लोगों का जून या जुलाई में जाएगा, तो मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी ये प्रयास, क्योंकि प्रयास तो कोई नहीं करता, ये प्रयास हम सभी लोगों के माध्यम से, हमारी टीम के सदस्यों के माध्यम से लगातार हम लोग लखनऊ से भी संपर्क कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज हम कुछ प्रतिनिधिमंडलों को प्रेषित कर रहे हैं आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के पास, और उनसे स्पष्ट कराने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये LTGIC लोक सेवा आयोग से आयेगा या LTGIC आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा, और फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग की सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिसूचना कब तक जारी होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 14 तारीख के पहले पहले इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि सारी चीजें आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक चल रही है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निराशा में डूब करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। TGD PGD 2022 के लिए भी विद्यार्थियों के काफी सारे प्रश्न हैं कि TET कहीं इसमें ना अनिवार्य कर दें या इस विज्ञापन को निरस्त करके फिर से आवेदन ना ले लें। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, विज्ञापन निरस्त नहीं होगा, विज्ञापन आपके पुराने नियमावली पर ही चलेगा, ऐसी परिस्थितियां तो फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, आप लोगों का ये विज्ञापन कंप्लीट है। और इसमें पदों की संख्या भी, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कॉमर्स में कितने पद जुड़े हैं, आपके जीव विज्ञान में कितने पद जुड़े हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आगामी जो आने वाली TGT PGT LT वगैरह है, ठीक है ना, इसमें आप लोगों को कई विषयों पर कैंची चलती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब कौन से विषय है वो तो विज्ञापन जारी होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कई विषयों पर आप सभी लोगों को कैंची चलती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि कहां कितने पद जुड़े हैं, क्यों, क्योंकि ये इसकी जो ऑफिशियल जानकारी होगी ना, जब ई पोर्टल पे सारी चीजें अपडेट की जाएंगी, अपलोड की जाएंगी, ई पोर्टल लॉन्च तो हो गया लेकिन विद्यार्थियों की पहुंच से बाहर है, ये अस्तित्व में तभी आएगा जब आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आएगा, उसी की वेबसाइट पे ई पोर्टल आप लोगों का बनाया गया है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मुख्यमंत्री महोदय को भी हम लोग लगातार ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, लगातार ईमेल कर रहे हैं CM कार्यालय को भी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी कर दी जाए, ताकि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के पहले पहले विद्यार्थियों के हाथ में उनका शिक्षा सेवा चयन आयोग हो। और मैं आप सभी लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम लोग इस प्रयास में सफल जरूर होंगे, बस आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि आप सभी लोग होता है ना कि जब बीच मझधार में कोई पहुंचता है तो आप लोग हाथ छुड़ाने लगते हो, करे ये तो डूबेगा, शर्म हमको भी ले डूबेगा, है ना। लेकिन ऐसी कोई परिस्थितियां होती ही नहीं है, है ना, हम तो आपको पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मतलब ये सोच बैठते हो कि भाई ये तो डूबेगा, हमको भी ले डूबेगा, हमारे डूबने का कोई चांसेस ही नहीं, क्योंकि मैं लाइफ जैकेट ऑलरेडी पहना हुआ हूँ, है ना। सिर्फ आपको जो है रिलीफ देने के लिए, आपको बचाने के लिए ही हम आते हैं, लेकिन आप सभी लोग हैं कि साथ छोड़ छोड़ कर भागने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को बचाइए और मोटिवेटेड रहिए, डिप्रेस्ड मत होइए, क्योंकि डिप्रेशन किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। TGT PGT 2021 की जब भर्ती कंप्लीट हुई थी तो भी विद्यार्थी बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेस्ड हो गए थे, बहुत से लोगों ने इस चीज को लेकर के जो है मतलब कहना शुरू कर दिया था, अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा। हम लोगों ने उनको समझाना शुरू किया, हम लोगों ने अपडेट देनी स्टार्ट की, हम लोगों ने कोशिशों की, बहुत सारी मेहनत की, और आप सभी लोगों का TGT PGT का विज्ञापन जारी हो गया। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लोक सेवा आयोग LTGIC का विज्ञापन भी किसी भी वक्त जारी कर सकता है, किसी भी दिन जारी कर सकता है, आपको इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ी सी चीजें कंफर्म होनी बाकी है, आपके ये RO आदि को लेकर के सारी चीजें जो है क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए, उसके बाद आप सभी लोगों का ये LTGIC का प्रकरण भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस सहयोग करिए, साथ दीजिए, ताकि हम सभी लोग भी आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास कर सके और आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सके। क्यों? क्योंकि सार्थक भैया की जरूरत यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है, सार्थक भैया की जरूरत आप सभी लोगों को लोकसभा चुनाव के बाद भी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों की होती है ना, जो जिसका निराकरण चाहिए होता है, जिसके विज्ञापन चाहिए होता है, जिसकी परीक्षा तिथियां चाहिए होती है, जिसके रिजल्ट चाहिए होते हैं, कुछ संशोधन आदि होते हैं। तो भाई आप लोगों के बीच में अगर हम रहेंगे तभी तो आप लोगों के कार्य संपादित हो पाएंगे ना, है ना।
तो आप सभी लोग भी जुड़ करके रहिए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल एक हम लोगों ने जनप्रतिनिधि को ज्ञापन दिया था बीएड को लेकर के, ठीक है, और बीएड के संबंध में जब हम सभी लोगों ने उनसे पूछा कि सर बीएड को पीआरटी में सम्मिलित किया जाए, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम प्रयास जरूर किए हैं लेकिन विद्यार्थियों को पॉजिटिव में रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पाया, जिसकी वजह से यह मामला थोड़ा सा जो है डिले हो गया। लेकिन अब हम सभी लोगों का प्रयास फिर से स्टार्ट हो गया है क्योंकि अब चुनावी सीजन है, तो बीएड डिग्री धारकों को भी अपना बल दिखाना होगा, है ना। आप सभी लोग एकजुट तो होइए, आप सभी लोग वीडियोस को शेयर तो करिए, लेकिन वो भी चीजें आप लोगों से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आप लोगों का मैटर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि यूपीटीईटी का पूरा जो प्रस्ताव है, जो आपका पूरा मुलम्मा है, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत जल्दी डिक्लेयर की जाने वाली है, ठीक है। वैसे भी इसमें रूलिंग पार्टी जो है वो रामलहर पर सवार है, तो कुछ भी चीजें नहीं है, लेकिन हाँ इतनी चीजें जरूर है कि छात्रों के हित की बातें अगर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचती है तो जाहिर सी बात है मामला आप सभी लोगों का पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है और आप लोगों की बातें मान ली जाती हैं। लेकिन आप सभी लोग जब सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो बाकी आपकी इच्छा आपकी मर्जी। जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे साथ टीजीडी पीजीडी 2016-2021 की याचिका में, जिन्होंने हियरिंग शुल्क दे दिया है धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया है प्लीज एंड प्लीज जमा कर दीजिए हियरिंग शुल्क, ये बहुत ही आवश्यक है आप सभी लोगों के लिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। याद रखिए 97 41 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर।